हेलो डियर व्यूअर, वेलकम बैक। कैसे हैं जी? सब ठीक हैं? बढ़िया हैं। तो आज क्या देखने वाले हैं जी? हम आज हम देखने वाले टॉप 10 ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस इन विजिट टू नैनीताल उत्तराखंड। टू विजिट इन उत्तराखंड नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड। नैनीताल किस फिल्म में आई थी पता है? पता नहीं। ताल फिल्म में। ताल से ताल नैनीताल कहते थे। Really? Yes. यार इसकी याद आ बहुत अच्छी है। वैसे मूवीज के वाले थे। वैसे बॉलीवुड की मूवीज वैसे ये है भी काफी पुरानी। हाँ, इसकी 1990 भाई 1990 से भी पहले। 1990 के बाद की जो मूवीज है ना इससे पूछ लो कोई भी। ताल किसकी थी? ऐश्वर्या राय की। लड़का कौन था? हाय मर गए। अक्षय खन्ना तो नहीं था कहीं? अक्षय खन्ना वो भी था साथ में। अनिल कपूर भी था उस फिल्म में। अक्षय खन्ना भी था? अक्षय मैं तुक्का ही लगाया मैंने। अक्षय खन्ना, नील कपूर। अच्छा चले, उसका वो सॉन्ग था ना ताल से ताल। हाँ ये वाला गाना सुना है। ताल से ताल। तो चलें जी देखते हैं पहले वीडियो। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर स्थित है खूबसूरत शहर नैनीताल। वॉकिंग वॉन्डरर के सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग देवभूमि उत्तराखंड के एक बेहद ही खास एपिसोड में। इस वीडियो सीरीज के आज इस एपिसोड में हम खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल को एक्सप्लोर करेंगे। समुद्र तल से औसतन 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है नैनीताल। नैनीताल में आपको बहुत सारी खूबसूरत झीलों, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और कुदरती नजारों का जो मनमोहक दृश्य का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वो नैनीताल को छुट्टियां बिताने के लिए एक परफेक्ट जगह बना देता है। नैनीताल को आप पूरे साल भर में कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप चाहे जिस भी सीजन में नैनीताल आए आपको नैनीताल का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में वॉकिंग वॉन्डरर के साथ हम आपको नैनीताल में घूमने वाली सभी प्रमुख जगहों का एक खूबसूरत वर्चुअल टूर देंगे। वर्चुअल टूर के साथ साथ आपको इस वीडियो में हर टाइप की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि नैनीताल में बेस्ट स्टे ऑप्शंस कौन से हैं, यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें। वॉकिंग वॉन्डरर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आपको सबसे पहले ये बताते हुए कि आप नैनीताल कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप वाया रोड नैनीताल आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से लगभग 325 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा जिसके लिए आपको लगभग 7 घंटे का टाइम लग जाएगा। और अगर आप भारत के किसी भी कोने से बाय ट्रेन नैनीताल पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन आ सकते हैं जो कि नैनीताल से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और साथ ही अगर आप बाय एयर नैनीताल पहुंचना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं पंतनगर हवाई अड्डे में जो कि नैनीताल से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं आपको बताते हुए नैनीताल में घूमने वाली सभी प्रमुख जगहों के बारे में। तो नैनीताल में आप जो सबसे पहली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है नैनीताल का खूबसूरत मॉल रोड। वैसे तो आप लोगों ने बहुत से खूबसूरत हिल स्टेशन के मॉल रोड्स को एक्सप्लोर किया होगा जैसे कि मसूरी, मनाली या शिमला मॉल रोड को, लेकिन जो चीज नैनीताल मॉल रोड को बेहद खास बनाती है वो है इसकी लोकेशन। नैनीताल मॉल रोड नैनी लेक के किनारे पर बसा है जो इसे एक बहुत ही खूबसूरत वाइब देती है। मॉल रोड को आप नैनीताल का सिटी सेंटर भी मान सकते हैं। नैनीताल मॉल रोड पर आपको सभी प्रकार की दुकानों और कैफेज की बहुत अच्छी वैरायटी देखने को मिलेगी। जब भी आप नैनीताल आएं, तो आप अपनी इवनिंग्स नैनीताल के मॉल रोड पर स्पेंड कर सकते हैं। शाम के समय में नैनीताल मॉल रोड काफ़ी हैपनिंग रहता है और साथ ही नैनीताल की जो सिटी लाइट्स की रिफ्लेक्शन आपको नैनी लेक में देखने को मिलेगी वो एक आंखों को बहुत ही सुकून भरा एक्सपीरियंस देती है। तो नैनीताल मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के बाद आप नैनीताल में जो अगली जगह घूम सकते हैं वो है नैनी लेक। नैनी लेक का एक्सपीरियंस आप यहाँ पर बोटिंग करके ले सकते हैं। नैनी लेक लगभग 120 एकड़ में फैली हुई एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। नैनीताल झील में आपको शिकारा स्टाइल बोट्स में बोटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसके लिए आपको पूरी झील का चक्कर काटने के लिए 420 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा और आधी झील का चक्कर काटने के लिए 320 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। नैनीताल शहर के सबसे खूबसूरत नज़ारे आपको नैनी झील में बोटिंग करते हुए ही देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप नैनीताल आएँ नैनी लेक में बोटिंग को मिस ना करें। तो नैनी लेक को देखने के बाद जो आप अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है नैनीताल में स्थित उत्तराखंड राजभवन।
लोकल नैनीताल को आप प्राइवेट कार या टैक्सी में तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है कोई बाइक या स्कूटी रेंट पर लेकर नैनीताल को एक्सप्लोर करना। इससे आप ट्रैफिक और पार्किंग की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं और आपको 500 से 600 रुपए के रेंट से इजीली बाइक या स्कूटी रेंट पर मिल जाएगी। सिटी सेंटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राजभवन और लगभग 125 साल पुराना स्कॉटिश कासल सा दिखने वाला ये स्ट्रक्चर उत्तराखंड के ऑनरेबल गवर्नर का समर रिट्रीट है। लगभग 220 एकड़ में फैला हुआ ये गॉथिक स्टाइल में बना हुआ उत्तराखंड का राजभवन विजिटर्स के लिए भी ओपन है और 50 रुपए का नॉमिनल एंट्री टिकट लेकर आप इस बिल्डिंग को अंदर से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ट्रस्टर्स, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि आप यहाँ पर बहुत सारी इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। नैनीताल में स्थित राजभवन के नज़दीक ही आपको सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप अपना समय निकालकर गवर्नर हाउस को घूमने आए हैं तो उसके साथ ही लोकेटेड आप सेंट फ्रांसिस चर्च को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो नैनीताल में जो आप अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है नैनी लेक के किनारे पर स्थित नैना माता का भव्य और खूबसूरत मंदिर। नैना माता मंदिर पूरे भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक भव्य मंदिर है। नैना देवी मंदिर नैनी झील के उत्तरी छोर पर स्थित है। यहाँ पर सती माता के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 2 नेत्र भी हैं जो नैना देवी की शक्ति को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में ये माना जाता है कि जब शिव सती के मृतदेह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे तब जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। तो मां नैना देवी के भव्य मंदिर के दर्शन करने के बाद आप नैनीताल में जो अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है नैनीताल जू। नैनीताल जू आपको नैनीताल मॉल रोड के नजदीक ही देखने को मिल जाएगा। नैनीताल जू में पहुंचने के लिए आपको नैनीताल मॉल रोड से शटल सर्विस देखने को मिल जाएगी जिसके लिए आपको पर पर्सन 70 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। इसमें आपका पिक एंड ड्रॉप दोनों इंक्लूडेड रहेगा। नैनीताल जू में आप 100 रुपये का टिकट लेकर एंट्री कर सकते हैं। नैनीताल जू जिसे जीबी पंत हाई ऑल्टीट्यूड जू नाम से भी जाना जाता है ये काफ़ी वेल मेंटेन जू है जिसमें आपको बहुत से वाइल्ड एनिमल्स को क्लोजली देखने का मौका मिल जाएगा जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर, हिमालयन बियर, रेड पांडा, लेपर्ड और बहुत से बर्ड्स की वैरायटीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। नैनीताल जू एक प्रॉपरली मेंटेन्ड जू है जिसमें आपको जानवरों की काफ़ी ज़्यादा संख्या देखने को मिलेगी और इन सभी जानवरों के दर्शन आप काफ़ी क्लोजली कर सकते हैं जो आप में एक अलग प्रकार का रोमांच ज़रूर पैदा करेगा। नैनीताल जू की लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है कि अगर आप यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो वो वर्थ रहेगा। और सामने वाली पहाड़ी पर आपको एक स्कूल भी देखने को मिलेगा जो कि कोई मिल गया मूवी में शूट किया गया था। तो नैनीताल जू में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेने के बाद आप नैनीताल में जो अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है स्नोव्यू पॉइंट। नैनीताल में नैनीताल से चलने वाला रोपवे आपको स्नोव्यू पॉइंट पर लेकर जाएगा। रोपवे के लिए आपको एक पर्सन के 370 रुपीज़ चार्ज देने पड़ेंगे जो कि आने और जाने दोनों के होंगे। स्नोव्यू पॉइंट टॉप से आपको नैनीताल का बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो स्नोव्यू पॉइंट को विजिट करके और अपनी रोपवे की जर्नी को एंजॉय करके आप नैनीताल में जो अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है चाइना पीक या जिसे नैना पीक नाम से भी जाना जाता है। नैना पीक के लिए आपको नैनीताल से 6 किलोमीटर दूर ड्राइव करना पड़ेगा और उसके बाद 3 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा। नैना पीक से आपको पूरे कुमाऊं रीजन के बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखने वाले हैं तो आप नैना पीक को ज़रूर विजिट करें। तो नैना पीक या चाइना पीक को विजिट करने के बाद आप नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में ड्राइव करते हुए पंगोट की ओर आ सकते हैं। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। तो पंगोट अगली जगह है जो आप नैनीताल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई बार पीक टूरिस्ट सीजन में नैनीताल थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है। अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर नैनीताल की पहाड़ियों का शांति में नज़ारा लेना चाहते हैं तो आप पंगोट का रुख कर सकते हैं। पंगोट में ही आपको शहर की भीड़ भाड़ से दूर नैनीताल का एक काफ़ी लग्जरी स्टे ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है रूफटॉप कॉटेजेस पंगोट नैनीताल।
पहाड़ों में मौसम बदलते देर नहीं लगती। ये चीज़ आप विटनेस करेंगे जब आप रूफटॉप कॉटेजेस में स्टे करेंगे। रूफटॉप कॉटेजेस की लोकेशन इतनी खूबसूरत है कि जब आप यहाँ पर स्टे करेंगे तो आपका मन करेगा कि आप सिर्फ एक दिन यहाँ पर ना रुकें बल्कि 2 या 3 दिन यहाँ पर आप कम से कम स्पेंड करें। रूफटॉप कॉटेजेस में आपको ट्रू सेंस में एक लग्जरी स्टे एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, चाहे बात यहाँ के वुडन कॉटेजेस की जाए या फिर यहाँ के लग्जरी रेस्टोरेंट की जिसमें बहुत ही डिलीशियस फूड सर्व किया जाता है। रूफटॉप कॉटेजेस में आपको पहाड़ी स्टाइल की हॉस्पिटैलिटी देखने को मिलेगी जो आपके नैनीताल के ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना देगा। रूफटॉप कॉटेजेस में आपको सूट रूम्स और ड्यूप्लेक्स रूम्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो अपनी कन्वीनियंस और ग्रुप टाइप के हिसाब से आप अपने रूम्स चूज कर सकते हैं, जिसकी ज्यादा डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि नैनीताल में आपको नैनी लेक के अलावा और भी बहुत सी खूबसूरत लेक्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। तो पंगोट को एक्सप्लोर करने के बाद आप नैनीताल में जो अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं उसका नाम है भीमताल। नैनीताल से भीमताल का रोड डिस्टेंस लगभग 22 किलोमीटर के आसपास है और इस सफर के लिए हमें लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। भीमताल में जो घूमने वाली सबसे प्रमुख जगह है उसका नाम है भीमताल लेक। भीमताल लेक नैनी लेक की तरह एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है जिसका टोटल एरिया लगभग 118 एकड़ के आसपास है। एज अ ट्रेवलर अगर आप भीमताल लेक को घूमने आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर नैनी लेक से मुकाबले काफ़ी कम क्राउड देखने को मिलेगा और आप नेचर के साथ अपना टाइम और अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। भीमताल लेक में भी आप शिकारा स्टाइल बोट्स और पैडल बोट्स में बोटिंग का मजा ले सकते हैं और उसके अलावा और भी वाटर एक्टिविटीज़ का आप अंजाम दे सकते हैं जो कि खासकर बच्चों के लिए होती हैं। भीमताल लेक की जो सबसे खास बात है वो है इसके बीच में लोकेटेड एक आइलैंड। इस आइलैंड तक भी आप बोट में जा सकते हैं जहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़ा एक्वेरियम देखने को मिलेगा। भीमताल लेक के किनारे पर दुकानों से आप अपनी रिफ्रेशमेंट भी ग्रैब कर सकते हैं। उसके अलावा आप श्री भीमेश्वर महादेव के मंदिर को भी एक्सप्लोर करें जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और भीमताल लेक के किनारे पर ही बसा है। तो भीमताल लेक और श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर को एक्सप्लोर करने के बाद आप नैनीताल में जो अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं उसका नाम है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल की भीमताल से दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। नौकुचिया ताल का मतलब होता है अ लेक विद 9 कॉर्नर्स। तो नौकुचिया ताल में आपको 9 अलग अलग कोनों से इस लेक के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। नौकुचिया ताल लेक नैनीताल इलाके में सभी लेक्स में सबसे गहरी लेक है और नौकुचिया ताल सभी एडवेंचर लवर्स के लिए सबसे परफेक्ट जगह है क्योंकि यहाँ पर आप एंगलिंग, बर्ड वॉचिंग और पैराग्लाइडिंग का आनंद भी ले सकते हैं। अपने नैनीताल ट्रिप के दौरान अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए आए हैं तो आप एक दिन नौकुचिया ताल इलाके में भी स्पेंड कर सकते हैं। लेक के किनारे पर ही आपको बहुत से कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट के ऑप्शंस तो देखने को मिल ही जाएंगे, साथ ही यहाँ पर आपको काफ़ी होमस्टेज और होटल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो नौकुचिया ताल को एक्सप्लोर करने के बाद आप जो अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं उसका नाम है इको केव पार्क नैनीताल। इको केव पार्क की नैनीताल मॉल रोड से दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए आप नैनीताल मॉल रोड से काफ़ी नज़दीक ही लोकेटेड इको केव पार्क को काफ़ी इजीली विजिट कर सकते हैं। इको केव पार्क का एंट्री टिकट आपको 60 रुपये पर पर्सन देखने को मिलेगा। इको केव पार्क में आपको काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट्स को देखने का मौका मिलेगा और आप इन केव्स के अंदर भी जा सकते हैं। इसमें कुछ फेमस केव्स हैं जैसे कि टाइगर केव, पैंथर केव, एप्स केव और फ्लाइंग फॉक्स केव। तो ये तो बात हो गई नैनीताल में घूमने वाली कुछ सभी प्रमुख जगहों के बारे में। इसके अलावा भी आपको नैनीताल और कुमाऊं इलाके में घूमने के लिए बहुत सी खूबसूरत जगहें मिलेंगी जिन्हें आप अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर अब बात की जाए आपके नैनीताल ट्रिप के दौरान फूड ऑप्शंस के बारे में, तो नैनीताल लेक के किनारे नैनीताल मॉल रोड पर आपको बहुत से फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स और कैफेज़ के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जहां पे अपने फूड को एंजॉय करते हुए आप नैनी लेक के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। उसके अलावा यहां पर तिब्बतियन मार्केट भी है जहां पर आपको चाइनीज़ और तिब्बतियन फूड इजीली देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहां पर स्ट्रीट फूड की भी भरमार आपको देखने को मिलेगी, तो आप नैनीताल की फूड डेलिकेसीज ज़रूर इंजॉय करें। तो इसी के साथ इस वीडियो का भी एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ओके।
हाँ जी, कैसा लगा? बढ़िया, जबरदस्त। कौन सी चीज सबसे बेस्ट लगी है वहाँ? पूरा नैनीताल ही मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप ये देख लो कि इंडिया के जो भी स्टेट देख रहे हैं बिल्कुल, उसमें आपको टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो बहुत इंडिया में ज्यादा जगह घूमने के लिए बिल्कुल, पाकिस्तान की निस्बत इंडिया है भी बहुत बड़ा और उधर वैसे भी बहुत ज्यादा मतलब ब्यूटी आपको मिलेगी बिल्कुल। हमारे कुछ नॉर्दर्न एरियाज हैं अगर उनको, अब हमारे सिर्फ अब आपने पंजाब से जाना है तो नॉर्दर्न एरिया, सिंध से जाना है अब नॉर्दर्न, केपी के से जाओगे तो वो भी आपको नॉर्दर्न मतलब उसी केपी के में तो है ब्यूटी मतलब सेम ही है। अच्छा फिर आप इधर से जाओगे बलूचिस्तान से जाओगे तो नॉर्दर्न एरिया मतलब, और इंडिया का ये होता है कि आपका देखो उत्तराखंड में हमने देख लिया, हिमालय हिमाचल में हमने देख लिया, केरला में हमने खूबसूरती देख ली, इवन के राजस्थान जो हमारे साथ स्टेट है वहाँ पर कितने अच्छे हिल स्टेशन है, कितने जबरदस्त चीजें हैं, हर स्टेट के अंदर ही नॉर्दर्न एरिया और मतलब वो तो जन्नत है ना, वो तो है बिल्कुल। तो चले बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, रखें अपना ख्याल, गुड बाय टाटा। और कौन कौन नैनीताल से देख रहा है, उत्तराखंड से कौन देख रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा।